पंचायती राज को लेकर के जन पंचायत त्रिस्तरीय जो हमारे जन प्रतिनिधि हैं उनकी समस्याओं को विधान परिषद में पुरजोर ढंग से उठाएंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आम लोगों तक पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में, हूँ आपके साथ शिवम। बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज सभी नव निर्वाचित बीजेपी के एमएलसीओ का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बीजेपी कोटे के 7 एमएलसीओ को यहाँ पर स्वागत किया गया है। इस कार्यक्रम में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। ऐसे में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। एनडीए में जो हमारे कोटे की 13 सीटें मिली थी उनमें हम 8 सीटों पर जीते हैं और सभी माननीय विधान पार्षदों का कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए सभी विधान पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बिहार की जनता और जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें देने का कार्य बिहार की जनता ने किया था, उसी प्रकार इस चुनाव में भी सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी को जनप्रतिनिधियों ने दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी सम्मानित नए विधान पार्षद जनप्रतिनिधियों की उम्मीद में खरा उतरेंगे और पंचायती राज को लेकर के जन पंचायत त्रिस्तरीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी समस्याओं को विधान परिषद में पुरजोर ढंग से उठाएंगे। यह भी एक सच है कि अगर 50% आरक्षण मिला तो यह इसी एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व काल में मिला और 2014 के बाद से जहां एक पंचायत में एक मुखिया को 5 से 7-8 लाख रुपए मिलते थे, आज एक एक पंचायत में जन प्रतिनिधियों को 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच की राशि दी जाती है। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राशि को लगभग 20 गुना ज़्यादा बढ़ाने का काम किया गया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का यह पूर्ण विश्वास है कि जितने भी पंचायत स्तर की समस्याएं हैं, वार्ड स्तर की समस्याएं हैं, उनके निदान का और उनके विकास का मुख्य आधार हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि होना चाहिए और उसी के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हर पंचायत को पहले से कांग्रेस के राज से 20 गुना ज़्यादा राशि देने का प्रावधान। बिहार विधान परिषद में हमारे उम्मीदवार जीते हैं उनका आज अभिनंदन था और आने वाले दिनों में जो विधायी कार्य हैं बिहार विधान परिषद के जो दायित्व हैं उनका वो निर्वहन बेहतर ढंग से करेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आम लोगों तक पहुँचे, ये भी उनका दायित्व होगा और बिहार विधान परिषद भी एक संवैधानिक संस्था है और बिहार में तो आपको पता है कि बिहार विधान परिषद का गठन विधानसभा से पहले हुआ था। सर, सहयोगी जेडीयू को कम सीटें मिली आपसे और नहीं, देखिए हम सब तो कार्यकर्ताओं ने उनको मदद नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा ये एकदम निराधार है और जो भी सीटें मिली है सभी एक दूसरे के सहयोग से ही मिली है और हम लोग एक लंबे अरसे से साथ काम कर रहे हैं और उसमें इस तरह की बातों का कोई महत्व ही नहीं है। बेगूसराय जैसी नहीं, ठीक है, अपने अपने हरा दिया, अपने अपने ढंग से लोग आकलन नहीं कहा जा रहा है, जो जदयू के का जो नेतृत्व है ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हो या बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, सभी लोगों ने आज सभी 7 एमएलसीओ का स्वागत किया है और साफ तौर पे कहा है कि जितने भी जो एमएलसी बीजेपी कोटे से जीतकर इस बार बिहार विधान परिषद पहुंचे हैं वो तमाम जनप्रतिनिधियों की जो मुद्दे हैं उसको बिहार विधान परिषद में उठाएंगे। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।